स्वास्थ्य विभाग की विशेष पहल और निर्देशों में दस्तक अभियान 14 जून से 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर 5 साल तक के सभी बच्चों के लिए विटामिन ए, आयरन सिरप, खून की जांच, बच्चों की लंबाई, वजन आदि की जांच करेंगे और जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी सर्वे रिपोर्ट अपने बड़े अधिकारियों को भेजी जाएगी। अभियान में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, जिनमें हाथ धुलाई, साफ सफाई, गंदगी ना फैलाने, गंदे पानी को जमा ना होने देना आदि शामिल है। हाथ धोने की विधि एवं उसमें शामिल 10 मुद्राओं को विधिवत सिखाया गया। पोषण आहार के बारे में बता रहे हैं, उनका वजन ले रहे हैं। अच्छा, इसमें हाथ धोने की विधि भी आपके आप लोगों के द्वारा उसमें है, तो बताइए कैसे, कितने प्रकार से हाथ धुलाई की जाती है? 6 प्रकार से हाथ धुलाई की जाती है। क्या क्या पोजीशन होती है? 6 स्टेप। तो एक हाँ एक एक स्टेप बता दीजिए मैडम। ठीक है, अपन ने जो अंगूठी मंगूठी पहने हैं सबसे पहले वो उतार दिए, बाल्टी में पानी लिया, साबुन लिया जी। फिर चूड़ी वगैरह है तो ऊपर ऊपर खिसका ली, सब और कहाँ चूड़ी उतार, अपन ने ऊपर चूड़ी खिसकाई, उसके बाद साबुन लिया और अच्छे फैन बनाया, पानी डलवाते हुए या फिर बाल्टी साबुन लिया, हम धोबी की विधि बताए दे रहे। ठीक है, पानी में जो मुँह साने बैठी हुई जो होगा अपना एक प्रकार, एक स्टेप जो होगा अपना दूसरा स्टेप बांध दी अपन ने, ये साफ है करने पर होगा तीसरा स्टेप दोनों हाथों में। ठीक, ये अंगूठा बाहर अंगूठा में साफ हो रहा है, फिर अंगूठा के लाने अपन ने ऐसे करे जो होगा चौथा स्टेप, फिर अपन ने ऐसी नाखून के लाने करी और किस प्रकार से रेखाएं साफ भाई और नाखून साफ भाई। ठीक है, मैडम दस्तक अभियान के अंतर्गत बच्चों के लिए जांच के लिए कौन कौन से प्रावधान है, कौन कौन सी जांच करते हैं आप लोग? दस्तक अभियान बच्चों के कुपोषण से संबंधित है, जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं उनका हम लोग कुपोषण की जांच करते हैं, जो बच्चा कमजोर है उसको NRC में भर्ती के लिए रेफर करते हैं। और अपने क्षेत्र में क्या कुपोषित अभी तक ऐसे केस मिले हैं? क्या मिले हैं? हाँ, एक बच्चा मिला, एक बच्चा मिला। अच्छा, एक बच्चा को कुपोषित मिला है, तो उसके लिए मतलब क्या किया गया उसके केस के बारे में? उसका MAC टेप से नाप किया, वो भी उसमें मतलब अति कुपोषण में आ रहा है जी। वेट उसका किया, वेट भी कम है, एच भी कम है, यानी कि बच्चा वो हर तरह से कुपोषित है। 1.5 साल का बच्चा है, कुपोषित है, उसको NRC के लिए रेफर कर दिया गया है, लेकिन वो बच्चा जाने से इनकार कर रहा है। सर्वे टीम के द्वारा एक दिन में 20 घरों का सर्वे किया जा रहा है। इस अभियान से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और कुपोषण को दूर भगाने के प्रयास स्वास्थ्य विभाग की पहल किया जा रहा है। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट, SCN News India।